जय हिंद दोस्तों आज हम भारतीय राजव्यवस्था के अंतर्गत चैप्टर ट्वेंटी एट देखेंगे जिसमें हम लोग न्यायिक सक्रियता के बारे में समझेंगे इसको हम लोग जुडिशियल एक्टिविज्म भी कहते हैं ठीक है देखिए ये भी बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन हम लोग को इसको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे चल कर के जब भी न्यायिक सक्रियता के बारे में हम लोग वर्ड सुनेंगे तो हम लोग को क्या कन्फ्यूज़न होगा ठीक है तो हम लोगों को ये जानना ज़रूरी है इसमें याद करने के लिए कुछ नहीं है लेकिन फिर भी ज़्यादा समय नहीं लेंगे तुरंत इसको कम्प्लीट कर लेंगे इस चैप्टर को बस हम लोग को इतना जानना है कि न्यायिक सक्रियता का अर्थ क्या होता है ठीक है देखिए हम लोग जब पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था न्यायिक समीक्षा और अब हम लोग देख रहे हैं न्यायिक सक्रियता इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है इसको समझेंगे तो हम लोग न्यायिक सक्रियता का अर्थ भी समझने में हेल्प मिलेगा न्यायिक समीक्षा में क्या था कि जब न्यायपालिका को ये लगता है किसी भी रूल में संविधान के अनुरूप नहीं है तो वो क्या करता है यदि न्यायपालिका समझ रहे ना कार्यपालिका न्यायपालिका और विधायिका तो जब विधायिका किसी भी प्रकार से आ, कोई भी ऐसा संशोधन करती है कोई भी कानून बनाती है ठीक है मैं न्यायिक समीक्षा के बारे में पहले बता रहा हूँ तो उस समय क्या होता है कि जब विधायिका जो है कोई कानून बना देती है तो फिर क्या होता है कि न्यायालय उस पर समीक्षा करती है, यानी कि एक तरीके से समझो कि उसको चेक करना ठीक है उसको चेक करती है कि क्या ये हमारा जो अभी जो रूल बना है ये हमारे संविधान के अनुरूप है हमारे देश हित में है ठीक है है तो वो के नहीं है तो उसको क्या करती है उसको खारिज कर देती है या फिर संविधान में अगर कोई ऐसा आ, उसमें कोई ऐसा कानून है जो कि संविधान का जो मूल अधिकार है या उसका जो मूल रूप है उसको हानि पहुंचा रहा है तो उसको वहाँ से निरस्त कर देती है तो ये हम लोग समीक्षा को देख लिए न्यायिक सक्रियता में क्या होता है थोड़ा सा उससे डिफरेंस होता है ठीक है न्यायिक सक्रियता का मतलब एकदम साधारण भाषा में हम लोग समझेंगे कि न्यायिक सक्रियता दोनों में न्याय न्याय का सक्रिय होना ठीक है तो इसमें क्या होता है कि नॉर्मल स्थिति में हम लोग देखते हैं कि हमारे साथ किसी भी तरीके से कोई बुरा होता है किसी भी तरीके से सर प्रॉब्लम होता है हमारे अधिकारों से रिलेटेड या हमारे साथ किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होता है तो हम लोग क्या न्यायालय में जाते हैं वहाँ पे जा कर के हम लोग इंसाफ मांगते हैं हम लोग को इंसाफ मिल जाता है तो हम लोग क्या किए न्यायालय के पास गए तो हमको इंसाफ मिल गया ठीक है लेकिन अगर वही ऐसा हो कि हमारे साथ किसी भी तरीके से प्रॉब्लम हो रहा है और न्यायालय हमारे पास आ रही है समझ रहे हैं तो इसको हम लोग कहेंगे न्यायिक सक्रियता ठीक है हम लोग थोड़ा सा इसको और अच्छे समझते हैं अब थोड़ा सा हमारे पॉलिटी की भाषा में समझते हैं देखिए ये जो न्यायिक सक्रियता जो हमारा न्यायालय है जो सक्रिय होकर के काम करता है ना ये मूल रूप से ये जो काम है ये है अपना सरकार का यानी कि जो कार्यपालिका होती है विधायिका जो होती है हमारे संसद में समझ रहे ना तो हमारे संसद में जो कार्यपालिका और विधायिका जो है इनका मुख्य काम है ये ठीक है जो भी प्रॉब्लम है ना यानी कि जो न्यायिक सक्रियता है न्यायिक सक्रियता में क्या हुआ न्यायालय खुद आगे बढ़ के किसी भी प्रकार की जो समस्याएं हैं उस पर फोकस डाल रहा है ठीक है लेकिन जबकि ये काम तो न्यायालय का नहीं होना चाहिए है ना लेकिन ये न्यायालय कब आगे बढ़ता है आप खुद सोचो इसमें लॉजिक है कि वो तभी बढ़ेगा जब कार्यपालिका क्या होगा थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो अपने काम में कमी करेगा या कमज़ोर हो जाएगा तो जब कार्यपालिका विधायिका अगर किसी चीज़ को फोकस नहीं करती है देखे होंगे जो न्यायिक सक्रियता का उदाहरण आप देखे होंगे किसी भी तरीके से पर्यावरण से रिलेटेड महिलाओं से रिलेटेड ठीक है आ, बच्चे लोगों से रिलेटेड पिछड़े वर्ग से रिलेटेड ये सारी चीज़ें जो है ना जो लोग पीड़ित हैं किसी ना किसी तरीके से तो कहीं ना कहीं एक तरीके से हमारे देश में होते हुए भी हम एक बराबरी का स्थिति नहीं है तो कई बार इसमें देखे होंगे कि न्यायालय समन जारी कर देता है ठीक है न्यायालय ने इसको फटकार लगा है इस तरीके से आप न्यूज़ में भी सुने होंगे तो ये क्या होता है ये क्या करता है न्यायालय खुद अपने संज्ञान में ले लेता है मतलब न्यायालय खुद आगे उसको कोई बोलने नहीं आए हैं खुद आगे आ, आ कर के ये सारी चीज़ें जो हैं वो देख रहे हैं ठीक है और ये खुद फिर सरकार से सवाल करता है तो ये जो चीजें हैं ना ये क्या न्यायालय के पास जाना चाहिए क्या ये कार्यपालिका का काम है लेकिन कार्यपालिका नहीं कर पा रही है कहीं ना कहीं या फिर अनदेखा अनदेखा कर रही है तो यानी कि एक तरीके से जो न्यायिक सक्रियता है वो इस मामले में कहीं ना कहीं थोड़ा अच्छा है ठीक है तो न्याय जो न्यायिक सक्रियता है इसका अर्थ आप समझ गए क्या होता है न्यायालय किसी भी ऐसी प्रॉब्लम के लिए खुद से सक्रिय हो जाता है उसको न्यायिक सक्रियता कहते हैं ठीक है हम लोग इसको इस रूप में भी देखते हैं ठीक है ना कि जब न्यायपालिका और कार्यपालिका कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है ना तो जो न्यायिक सक्रियता यानी कि जो न्यायपालिका है वो क्या करती है मतलब विधायिका और जो कार्यपालिका है वो थोड़ी सी कमज़ोर पड़ जाती है तो फिर न्याय ना, न्यायपालिका जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से जो सरकार का भरोसा बना रहे हमारे मतलब एक तरीके से देश का व्यवस्था मत बिगड़े अब मान के चलो कि सरकार अगर चल रही है सब सारी चीज़ें अच्छे से चल रही हैं लेकिन अगर अगर सरकार नहीं ध्यान देगी किसी प्रॉब्लम पे, तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि देश के लोगों का विश्वास हटने लग जाएगा तो इस तरीके से न्यायपालिका जो क्या करती है उन सबको समान बनाए रखने के लिए कभी कभी वो भी एक्टिव हो जाती है जब कार्यपालिका और विधायिका कमजोर पड़ती है तो ठीक है अब हम लोग थोड़ा सा इसका अर्थ तो हम लोग समझ गए कि न्यायिक सक्रियता का क्या मतलब है न्यायिक सक्रियता का यहाँ पे जरूरत क्यों पड़ा ठीक है सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं अपने वो क्वालिटी के जो हम लोग जो चैप्टर पढ़े उसके अंतर्गत थोड़ा सा देख लेते हैं बस एक दो एक दो पॉइंट देखिए ये उन्नीस में सबसे पहले जो ये शब्द है ना वो अमेरिका में आया ठीक है ये ऑर्थर सिंगर जूनियर ठीक है सेल सिंगर ठीक है सेल सिंगर जूनियर ठीक है तो ये इनका नाम है और ये अमेरिकी इतिहासकार हैं तो इन्होंने सबसे पहले इस शब्द का आविष्कार किया समझ लो यानी कि वो शब्द पहली बार प्रयोग किए ठीक है ये आविष्कार तो नहीं होता इसमें तो इस तरीके से ये सबसे पहले अमेरिका में उन्नीस में आया भारत में ये आया न्यायिक समीक्षा का जो सक्रियता है ये जो वर्ड है ये भारत में कब उपयोग होने लग गया 1970 में देखिए 1970 का स्थिति क्या था 1970 में आप उस समय का स्थिति जान रहे इंदिरा गांधी का सरकार थी ठीक है तो उस उस समय क्या था कि कई बार देखिए यहाँ पे सरकार क्या थी बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई थी है ना बहुत ज्यादा आगे भी तो बढ़ गई थी कर, मतलब उनको अपना काम करना है साम दाम दंड भेज कुछ कुछ भी प्रयोग करना पड़े कुछ कुछ भी करना पड़े तो उसमें भी कहीं ना कहीं ऐसा स्थिति हुआ कि बहुत सारी व्यवस्थाएं बिगड़ गई तो उन सबको मैनेज करने के लिए लास्ट केवल एक ही है वो है न्यायपालिका ठीक है जो कि कानून में हमारे संविधान में कि हमारे देश की स्थिति में इन सब में यदि बदलाव करना है तो वो कैसे आगे बढ़ेगी उस वो क्या है वो क्या है अब लास्ट उसकी शक्ति है न्यायिक सक्रियता कि वो खुद आकर के आगे आकर के इन सभी स्थितियों को संभाले ठीक है तो ऐसे ये जो स्थिति है इसको आप लोग समझ गए कि न्यायिक सक्रियता किस तरीके से आगे बढ़ा न्यायिक सक्रियता का महत्व हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं महत्व तो हम लोग ऐसे भी समझ ही गए होंगे फिर भी हम लोग थोड़ा और देख लेते हैं न्यायिक सक्रियता का जो महत्व कैसा है सबसे पहला हम लोग पहला पॉइंट तो हम लोग ये अभी जान लिए कि क्या होता है कि जब सरकार कमज़ोर पड़ जाती है ना तो देश की व्यवस्था संविधान के ऊपर जो एक हमारा ट्रस्ट है हमारा जो संघवादी सिद्धांत है इस सारी चीज़ों को बनाए रखने के लिए न्यायालय एक तरीके से बीच में आ जाती है और लगता है कि हाँ सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं समझ रहे हैं तो एक क्या है गेप को भरता है न्यायिक सक्रियता जब का महत्व यहाँ पे ये भी है कि सरकार कहीं पे यदि ढील दे रही है तो क्या है न्यायपालिका आ गया और उसको सही करा रहा है तो ये न्यायिक सक्रियता का ये महत्व है दूसरा महत्व ये है कि इसमें क्या होता है कि मान के चलो देखो अभी हमारे देश में कई सारी ऐसी अव्यवस्थाएँ हैं ऐसी बहुत सारी अभी भी प्रॉब्लम है ठीक है जिन पे अगर सरकार नज़र नहीं दे रही है नहीं देख रही है तो वो न्यायपालिका सामने आती है जैसे कि देखो इससे रिलेटेड जो टॉपिक है मान के चलो महिलाओं की जो स्थिति है बच्चों की जो स्थिति है पिछड़े वर्ग से रिलेटेड स्थिति है जो वंचित लोग हैं उनका स्थिति है देश का व्यवस्था है कहीं पे किसी के साथ भेदभाव हो रहा है या फिर आ, हमारा यहाँ तक कि पर्यावरण भी आता है इसमें ठीक है आप कई बार देखेंगे ना न्यायालय को समन जारी करते हुए तो ये सारी चीज़ें जो है ना इन सभी के लिए न्यायिक सक्रियता का महत्व है क्योंकि न्यायालय को लग रहा है कि अभी तक सरकार जो है कार्यपालिका जो है इस पर काम नहीं कर रही है तो न्यायालय फिर आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं इसका महत्व हुआ ना यहाँ पे तो ये हो गया इसका महत्व हम लोग इसका महत्व समझ गए लास्ट हम लोग ये समझेंगे कि इसको फोर्स कैसे मिलता है इसको बल कैसे मिलता है इसका प्रभाव और आगे कैसे बढ़ रहा है देखिए हम लोगों का जो देश है उस देश में प्रॉब्लम तो है लेकिन प्रॉब्लम से लड़ने वाले भी तो लोग हैं ना जैसे कि ये है आप देखे होंगे कि कई ऐसे छोटे छोटे ग्रुप बने रहते हैं ठीक है जन समूह हो गया महिलाओं से संबंधित ग्रुप बना होता है यानी कि देखिए महिला स्वयं तो सहायता समूह सहायता समूह बहुत सारे ऐसे नाम से बहुत सारे नाम से ऐसे बने रहते हैं ठीक है जन सुविधा से रिलेटेड पर्यावरण बचाव समूह इस तरीके का बहुत सारे ऐसे समूह बने रहते हैं महिला उत्थान समूह ठीक है वंचित वर्ग से रिलेटेड समूह तो ये जो जितने समूह होते हैं ना ये कहीं ना कहीं जो न्यायिक सक्रियता को फोर्स करते हैं ये थोड़ा सा नज़र में लाते हैं न्यायपालिका के भी न्यायपालिका फिर सक्रिय हो जाती है तो ये जो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट था ये हम लोग अच्छे से समझ गए न्यायिक सक्रियता का मतलब केवल इतना ही है कि जहाँ पे कार्यपालिका और विधायिका अच्छे से काम नहीं कर पाती उसी काम को तो वहाँ पे क्या होती है न्यायपालिका जो है वो थोड़ी सी सक्रिय हो जाती है ठीक है ये इसका बेसिक बस अर्थ हम लोगों को जानना था अच्छे से लेकिन देखिए एक चीज़ इसका साइड इफेक्ट भी है एक तरीके से नेगेटिव पॉइंट भी है इसका कि हम लोगों का जो व्यवस्था है हमारा संघीय व्यवस्था का मूल रूप में क्या है कि जो न्यायपालिका है कार्यपालिका है और विधायिका है ये तीनों क्या हैं अपने अपने जगह पे रहेंगे कोई किसी को इंटरफेयर नहीं करेंगे बल्कि सबसे मुख्य बात है कि कोई किसी के को ऊपर दबाव नहीं डालेगा ठीक है बल्कि एक साथ मिल के भले ही चल सकते हैं लेकिन एक दूसरे के ऊपर दबाव नहीं डालेंगे यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो जाता है कई बार कि न्यायपालिका जो है वो न्यायिक सक्रियता का जो इसका जो शक्ति है उसमें अगर वो सक्रिय हो जाती है ना तो कार्यपालिका विधायिका पे कहीं ना कहीं दबाव पड़ता है अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाए तो दबाव ज़्यादा बढ़ जाएगा समझ रहे हैं तो ये अगर न्यायपालिका जो है वो केवल बैलेंस बनाने के लिए ये सब करती है तो ठीक रहता है लेकिन कई बार अगर न्यायपालिका भी अधिक सक्रिय हो गई तो भी क्या है थोड़ा सा ये नेगेटिव में चला जाता है तो हम लोग कुल मिलाकर के समझ गए न्यायिक सक्रियता क्या है बस इसका इतना ही अर्थ है ताकि हम लोग आगे चल करके के कभी न्यायिक सक्रियता ये शब्द पढ़ें तो हम लोग को ये जान लेना है कि क्या है न्यायपालिका अब खुद एक तरीके से हर तरफ़ देखने लगी है और सरकार का, का काम करने लगी है ठीक है बस इतना छोटा सा समझना है लोगो। हम लोगों अब अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे अगले दिन फिर अगले वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद